नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भावराज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और किसान भाइयों, थोड़ी बहुत खुशी की बात है, ज़्यादा कुछ सोने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भारत के जो प्याज निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा कल शाम को 6:15 बजे दी गई है, तो उससे थोड़ी बहुत राहत मिलने की संभावना है। और यह कुछ ही समय या कुछ ही दिनों के लिए दी हैं, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं दी हैं। और गवर्नमेंट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैंने साथ में आपको दिखा रहा हूँ किसान भाइयों। तो इसमें यह लिखा है कि जो भी भारत सरकार के जो द्वारा प्याज पहले निर्यात किया जा रहा था, और जो प्याज बॉर्डर फर्स्ट बॉर्डर जो बांग्लादेश की है वहाँ पर जो फंसे हुए थे, इसके साथ ही नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पर भी प्याज की कुछ ट्रकें रुकी हुई थी, और तीसरी बात जो वाघा बॉर्डर है पंजाब के अंतर्गत वहाँ पर भी कुछ ट्रकें रुकी हुई थी, तो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी कुछ कंटेनर के अंदर माल और ट्रकें रुकी हुई थी। तो उन ट्रकों को आज सुबह कल, क्योंकि देरी से लेटर जारी हुआ है, 6:15 बजे 6:30 बजे के लगभग लेटर जारी हुआ है, तो रात को ट्रकें नहीं निकल सकती, रात को माल नहीं जा सकता था, इसलिए आज सुबह से ही वो जो माल बॉर्डर पर जितना भी व्यापारियों का फंसा हुआ था उसकी गवर्नमेंट द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इस लेटर में यह लिखा है हुआ है और कुछ ही दिनों के लिए, जब तक यह बॉर्डर का माल निकल नहीं जाता तब तक के लिए अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो आइए देख लेते हैं बॉर्डर का एक दृश्य, जहां से ट्रकें निकलना स्टार्ट हो गई है। ये था किसान भाइयों, जहाँ से बॉर्डर पर गाड़ियाँ निकलना अभी स्टार्ट हो गई हैं, और जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं आप देख रहे हो समुद्र के किनारे, और बांग्लादेश रवाना बॉर्डर से हो रही है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट की, प्याज की जो आज की जो स्थिति थी, आज प्याज के जो भी बॉर्डर पे फंसे थे उन सभी ट्रकों को निकलने दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, इससे भी थोड़ी बहुत प्याज में तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा दीजिए। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में प्याज में आपको दोबारा से तेज़ी अवश्य देखने को मिले, किसी प्रकार से कोई हताश ना हो, अवश्य आपको तेज़ी एक बार ज़रूर मिलेगी। जय जवान जय किसान।